निशा बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। जून माह से छत्तीसगढ़ सरकार एपीएल कार्ड धारियों को भी देगा नमक। लॉकडाउन की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एपीएल राशन कार्डधारी को भी आगामी 1 जून 2020 से नमक लेने की सुविधा दी गई है। कलेक्टर एस भारती दासन ने बताया कि सामान्य राशन कार्डधारी नागरिक 10 रुपये प्रति किलो की दर से अधिकतम 2 किलो नमक प्रति राशन कार्ड प्रति माह की पात्रता निर्धारित की गई है। बालोद में मिला एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति। बालोद में कोरोना का एक नया केस मिला है। पॉजिटिव 23 वर्षीय युवक मुंबई मजदूरी करने गया था। 2 दिन पहले ही वह बालोद लौटा है। उसे पंचायत के सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रखकर उसके सैंपल को जांच के लिए भेजा था। गुरुवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएम भूपेश बघेल की पहल, श्रमिकों की वापसी के लिए 29 ट्रेनों का इंतजाम। स्पेशल ट्रेनों में अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों, छात्रों और चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की छत्तीसगढ़ वापसी का सिलसिला बीते 11 मई से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले श्रमिकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पेशल ट्रेन पहुंचने पर राज्य के निर्धारित स्टेशनों में थर्मल स्क्रीनिंग, भोजन तथा उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था भी संबंधित जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत अब भी गंभीर, मस्तिष्क की गतिविधियां ना के बराबर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार अजीत जोगी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिमाग की गतिविधि बेहद कम है, जिसके चलते उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। गुरुवार को डॉक्टरों ने दिमाग में गतिविधि लाने इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग किया। आपको बता दें कि अजीत जोगी कोमा में है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 3,967 केस और 100 मौतें। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। यह चीन के कुल मामले के काफी करीब पहुँच गया है। लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने को है, बावजूद इस पर काबू नहीं पाया गया है। देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा 81,000 पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,967 नए मामले सामने आए हैं और कोविड-19 से 100 लोगों की मौत हुई है। वर्ल्ड बैंक ने की घोषणा, भारत को कोरोना संकट के लिए देगा $1 अरब का पैकेज। कोरोना वायरस से जंग के लिए विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 अरब के पैकेज की मंजूरी दी है। यह पैकेज सामाजिक सुरक्षा पैकेज होगा। विश्व बैंक ने कहा है कि यह सहायता परियोजनाओं के पहले चरण के रूप में 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रावधान किया है, जिससे 25 देशों की मदद की जाएगी और त्वरित प्रक्रिया के जरिए 40 देशों में नए अभियान शुरू किए जाएंगे। भारत ने चीनी पाकिस्तानी पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए अमेरिका से चॉपरों का किया सौदा। अमेरिकी कंपनी के साथ 90.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का सौदा करने के बाद भारत ने अपनी नौसेना के लिए 24 अत्याधुनिक एंटी सबमरीन युद्धक हेलीकॉप्टर हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत ने इन चॉपरों का सौदा चीनी पाकिस्तानी पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स से की चर्चा। कोरोना वायरस महासंकट से इस वक्त पूरी दुनिया लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया की बड़ी हस्तियों से इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने बिल गेट्स के साथ चर्चा की। अब बिल गेट्स ने इस चर्चा के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत की अहम भूमिका है। गुलाबों सिताबों के बाद अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होगी विद्या बालन की शकुंतला देवी। OTT प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में रिलीज करने का सिलसिला चल निकला है। गुलाबों सिताबों के बाद अब विद्या बालन की शकुंतला देवी का प्रीमियर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर होने जा रहा है। इस फिल्म में विद्या बालन ह्यूमन कंप्यूटर मानी जाने वाली गणितज्ञ शकुंतला देवी के रोल में नजर आएंगी। रोहित शर्मा ने कहा, कोरोना में हमें आशा की किरण तलाशनी चाहिए। धरती माँ खुद को स्वस्थ रखने के लिए ऐसा कर रही है। कोरोना वायरस जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके कारण विश्व की 1/3 से ज्यादा आबादी घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गई है। ऐसी स्थिति में भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने इसे धरती माँ का खास संदेश बताया है। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में हमें आशा की किरण तलाशनी चाहिए। धरती माँ खुद को स्वस्थ रखने के लिए ऐसा कर रही है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।